हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए लेके आए हैं एक और नया वीडियो जो कि डीकैथलॉन का पहुँचों के बारे में होने वाला है, जो कि एक लो बजट और लो क्वालिटी का होने वाला है। तो चेक देखते हैं क्या क्वालिटी इसकी लो है या अच्छी है, 599 के रुपीज़ में क्या ये अच्छा है या बुरा है, देखते हैं, करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। अगर हमेशा की तरह आपने पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो कुछ इस तरह से हम प्रोडक्ट को अपना खोलते हैं। वैसे इसकी पैकिंग पूरी पेपर है, प्लास्टिक ना होना एक बहुत अच्छी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि इन्वायरमेंट को हार्मफुल नहीं करता। ये डीकैथलॉन की ब्रांडिंग मिल जाती स्पोर्ट्स फॉर ऑल डे, और ये जो भी उनका टैगलाइन है, प्ले स्टोर और आई स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं कर सकते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो चलिए ओपन करते हैं अपना बॉक्स, क्या ऐसा आया इसके अंदर से प्रोडक्ट। तो इसको फाड़ने में ना मज़ा आता है, इसको हम रख देते हैं साइड। तो ये हमारा पैकेट है कुछ इस तरह का, इसको भी हम रख देते हैं साइड। तो ये सारे फॉर्मेलिटीज़, बिल वैसे इसका जो अमाउंट है 498 रुपीज़ का पड़ा है विद ऑल सारी चीज़ें, बाकी डिटेल है उसको आप छोड़ दीजिए। और ये है इसका टैग जो कि इसके रेन पहुँचो है, और इस पे MRP है 699, और कलर इसका डार्क ब्लू है, और ये आपको मेड इन बांग्लादेश से बना हुआ है और इंपोर्टेड बाय डीकैथलॉन स्पोर्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो चलिए खोलते हैं इसके अंदर कैसा है ये। और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बांग्लादेश की तरफ से ये सारी चीज़ें हैं, टैग देखते हैं। ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है प्रोडक्ट। तो ये खुलता कहाँ से, कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ खुलेगा कहाँ से। खोलने के लिए भी मुझे इसे बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। तो कुछ इस तरह का है, ओह स्लीव के अंदर ही पैक हो जाता है, गुड। इसे करते हैं ओपन। साइज़ में काफ़ी बड़ा है, और ये साइज़ इसमें लास्ट साइज है, और इसमें जो टेपिंग जैसे हम PU कोटेड देखते ना, वो टेपिंग भी हुई है स्टिचिंग के ऊपर, बट देखते हैं कितना ठीक है, कोई ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग मिल जाती है आपको, और पीछे तो इसमें कुछ होगा नहीं, साइड में इसके देखते हैं वेलक्रो है या फिर आपका स्टिचिंग हुई है। अगर वेलक्रो होगा तो लूज़ होने में दौर जल्दी हो जाता है। और ये है आपका स्टिचिंग हुई है और टेपिंग के साथ हुई है, तो पानी लीकिंग का प्रॉब्लम होगा नहीं। और आपका 2 ईयर का वारंटी मिलता है इस प्रोडक्ट के ऊपर डीकैथलॉन की तरह, और 90 डेज़ का एक्सचेंज पॉलिसी, चाहे वो स्टोर से लेते हैं चाहे आप ऑनलाइन लेते हैं। और सेल्फ पैकेबल है, इस वाली पॉकेट में आपका पूरा पैक हो जाएगा, और लाइट वेटेड है, और कलर इसमें वाइट मिल जाएगा, डार्क ब्लू एक की आपके सामने है, और तो कुछ इस प्रोडक्ट में है नहीं उतना। और इसका ये नॉर्मल जैसे हम देखते हैं ना, ड्रॉ कॉर्ड काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है, बट ये उतना अच्छा क्वालिटी का है नहीं, जल्दी मतलब एक सीज़न आपका चल जाएगा और नेक्स्ट सीज़न आपको फिर से बाई करना पड़ेगा। देखते हैं इसका पानी इसके अंदर जाता है नहीं जाता है, तो पानी के साथ इसे टेस्ट करते हैं। तो अब करते हैं इसका वाटर प्रूफिंग टेस्ट, क्या ये वाटर प्रूफ है नहीं है, पानी लीक होता नहीं है। तो सबसे पहले जहाँ सिलाई हुई है वहाँ पे हम टेस्ट करते हैं, क्या वहाँ से पानी जाएगा भी, तो जल्दी सबसे पहले वहीं से जाएगा। तो हम पानी कुछ इस तरह से डाल लेते हैं इसके ऊपर, पानी इकट्ठा तो हो रहा है, और हम कुछ टाइम तक रखते हैं। तो पानी हमने हटा दिया कुछ टाइम बाद, देखते हैं अंदर पानी गया नहीं गया। तो अंदर तो पानी नहीं गया है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी टेपिंग की, जैसे स्टार्टिंग में मैंने बोला कि गुड क्वालिटी का नहीं होने वाला है, बट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट की केयर करेंगे तो आपका काफ़ी ड्यूरेबल होने वाला प्रोडक्ट, लाइट वेटेड भी है, सेल्फ पैकेबल भी है, ओनली ऑन मैक्स टू मैक्स आपको 600 के रेंज के अंदर मिल जाएगा। तो बारिश के लिए और हैवी बारिश के लिए भी ठीक है, बट वॉकिंग के लिए काफ़ी अच्छा है, और लोग स्कूटी पर भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है। तो ये था आज के वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।